अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मैसेज आप मुझे बार बार कर रहे हैं कि आपने कुछ कोर्स सेलर्स जो अमेज़ॉन के कोर्स बेचते हैं, आपने हमें मना किया उनके पास जाने से। तो कुछ मज़ीद कंपनीज़ भी आ गई हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट का अमेज़ॉन सेलर का कोर्स बेच रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय इन सब के बारे में उसूली है, और वो ये है कि अमेज़ॉन कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करता। इन कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा बाहर के मुल्कों में जाता है। 90% लोग फेल होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि 100 में से 90 रुपये डूब जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तानी रुपए हैं, बाहर जाएंगे वापस नहीं आएंगे। और इसके अलावा FATF में पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसका हम सबको दुख भी है, जो नहीं होने चाहिए। ये जो लोग हैं ये FATF में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर सकेंगे हमारे लिए, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता। पाकिस्तानी ई कॉमर्स दराज को कोई प्रमोट करता है दराज के हवाले से, या कोई और ई कॉमर्स कंपनी को प्रमोट करता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको आपको सीखना चाहिए। सीखना आपको अमेज़ॉन को भी चाहिए, आप अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी फ्री सीखिए। आपके अभी इधर उधर सजेशंस में दोनों तरफ फ्री कोर्सेज अमेज़ॉन के आ रहे होंगे। अमेज़ॉन की अपनी ई बुक है, अमेज़ॉन का अपना यूट्यूब चैनल है, अमेज़ॉन की अपनी ट्रेनिंग्स हैं, आप वो करें, ना कि आप इन लोगों से मुफ्त में अपना डाटा शेयर करें, फजूल की इनकी वीडियोस देखें। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे सीखें, आप अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से सीखें। अमेज़ॉन एक कंपनी है, वो खुद गाइडलाइंस देती है कि कैसे आप मेरे चैनल पे काम कर सकते हैं, तो आप उसको ऑप्ट कीजिए। जितनी भी कंपनीज अमेज़ॉन के नाम पे वर्चुअल असिस्टेंट करवा रही हैं, या सेलर का कोर्स करवा रहे हैं, या कुछ भी करवा रहे हैं, उन सब के पास मत जाएं। अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी और अमेज़ॉन ई बुक से सीखें, यही मेरा पैगाम है। आपने बहुत सी कंपनीज़ का नाम लिया है, कोई फ़ायदा नहीं है उनके नाम लेने का। नाम लेने से वो प्रमोट हो जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।